तो ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है कि अरशद नदीम जो कि पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर है, उन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है जो कि 90.57 था, और उन्होंने अपने ही दूसरे ही थ्रो में 92.97 मीटर का थ्रो मारा है। और नीरज चोपड़ा जो कि गोल्डन बॉय है, उनके अगर पहले थ्री थ्रोज की बात करें तो उनका 89.45 है जो सेकंड पे चल रहे हैं, और ओलंपिक रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है पाकिस्तान के अरशद नदीम ने। इससे पहले हम आपको बता दें कि 90.57 मीटर का ओलंपिक रिकॉर्ड था जो कि 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में किया था, एंड्रियास नॉर्वे ने वो रिकॉर्ड बनाया था, उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है जो अरशद नदीम का 90.5 के करीब रहा था इससे पहले का। और उनका खुद का पर्सनल बेस्ट भी देखें तो ये सामने परफॉर्मेंस आई है, वो भी ओलंपिक्स में मेंस जेवलिन थ्रो फाइनल में। तो बहुत ही ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस हमें दोनों ही इंडिया गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा और साथ में पाकिस्तान के एस जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने, और हो सकता है आपको मैच खत्म होने तक इन्हीं के पास गोल्ड और सिल्वर देखने को मिले। तो ये सबसे बड़ी अपडेट हमें देखने को मिली है, नीरज चोपड़ा जो अपना ओलंपिक डिफेंड कर रहे थे गोल्ड, उसमें अभी अपडेट में अरशद नदीम लीड कर रहे हैं और ओलंपिक रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया।